स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम में भूगोल का चैप्टर 3 अपवाह पढ़ेंगे। अपवाह यानी नदियाँ, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों की जानकारी आपको है कि नदी से जल मिलता है और जल ही जीवन है, ठीक है ना। तो ये नदी कहीं तो होती है जो मौसम भी होती है, यानी मौसम के अनुसार बनती है, मौसम के अनुसार ही इन नए नदियों में जल समाप्त हो जाता है। कई नदी ऐसी होती है जो साल भर चलती रहती है, ठीक है ना। और ये नदी कई बार क्या होती है कि आती किस दिशा में है, चली किस दिशा में जाती है, इसका पता नहीं चलता। और ये नदियाँ हम कह सकते हैं एक तरह से, आपको पता है नदियों के ही पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है, बादल में जाता है और बादल फिर उसको पानी के रूप में बारिश करते हैं। लेकिन ये कुछ यूँ नहीं कि आज अगर पूर्व की नदी का पानी बादल ले जाते हैं और हवा का जैसा रुख होता है उस अनुसार वो बारिश करते हैं, तो पूर्व का पानी पश्चिम में चला जाता है, दक्षिण का पानी उत्तर में चला जाता है। यानी ये पानी को जरूर है, किस नदी का पानी कौन सी नदी में मिलता है ये पता नहीं चलता है। तो आज हम नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ठीक है ना। और नदी एक तरह से हम कह सकते हैं जीवन है, कि हमें नदियों का पानी दूषित नहीं करना चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, तो उसमें यह है कि अपवाह। यह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी एक क्षेत्र में जो नदी होती है, उस क्षेत्र की जो नदियाँ होती है उसकी ये शब्द व्याख्या करता है। अपवाह यह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा उत्तर से आती है। इन्हें क्या है, या तो पानी
ये वाला है, ये आपको पता ही है प्रश्न में, और ये पूर्व, वो ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट से उदय होती है, होती भी है, यहाँ कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी जो प्राय द्वीपीय नदियाँ हैं वो मौसमी होती है, इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, और यह पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, इनका जल गिर जाता है। कैसे कि जब ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से ये पानी लेती है और यहाँ से बहती भी, ये बंगाल की खाड़ी में इसका पूरा जल नीचे चला जाता है। तो यानी अब हवा यानी नदी तंत्र कह सकते हैं, यानी ये शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, ठीक है। उसके अलावा एक नदी तंत्र द्वारा किस क्षेत्र को, किस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, उसे हम अवाहित ध्वनि कहते हैं, ठीक है। कोई भी पहाड़ दो पड़ोसी अवाहित ध्वनियों को एक दूसरे से अलग करता है, यानी कोई भी पहाड़ है वो दो नदियों को क्या करता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। कई बार एक पहाड़ से नदी आती है, लेकिन जैसे वो नीचे गिरती है